मनोज दे यूट्यूब पर रणवीर अलाहाबादिया से भी ज्यादा सक्सेसफुल है। रणवीर अलाहाबादिया के दोनों मेन चैनल्स के मंथली व्यूज को अगर कंबाइन कर दे तो वो बनते हैं 11 से 12 मिलियन। एंड गेस व्हाट, मनोज दे के एक चैनल के इतने व्यूज आ जाते हैं। हमने हमेशा ये सुना है कि सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है ऑडियंस एंगेजमेंट, मैटर करता है कि कितने लोग आपके वीडियोस को देखते हैं। मतलब अगर एंगेजमेंट अच्छा है तो क्रिएटर सक्सेसफुल है, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। मनोज दे के बियर बाइसेप से ऑलमोस्ट डबल व्यूज आ रहे हैं, ऑडियंस एंगेजमेंट भी तगड़ा है, लेकिन फिर भी दोनों की ब्रांड वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों है? कैसे रणवीर अलाहाबादिया मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स का पार्ट है और मनोज दे नहीं? आज के वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स को जिनसे रणवीर अलाहाबादिया के जैसे यूट्यूब सक्सेस पाई जा सकती है, और ये भी जानेंगे कि कैसे वो ठीक ठाक व्यूज लाकर भी हजारों यूट्यूबर से ऊपर हैं ब्रांड वैल्यू के एस्पेक्ट में। जब रणवीर अलाहाबादिया ने 2015 में यूट्यूब शुरू किया तो वो फिटनेस और जिमिंग बेस्ड कॉन्टेंट बनाते थे। उसके बाद उन्होंने अपना कंटेंट स्विच किया फैशन और लाइफस्टाइल की तरफ, और वहां से मेंटल फिटनेस, सेल्फ हेल्प और पॉडकास्टिंग की तरफ मॉर्फ कर लिया। अब इस सब में वो जीनियस बताऊं कहां पे साबित हुए? अपने सॉफ्ट और सक्सेसफुल ट्रांजिशंस में। और ये फ्रेज हमें लेके चलता है उनके तीन मेन सक्सेस फैक्टर्स के पहले फैक्टर की तरफ, विच इज वेव बेस्ड ट्रांजिशन। मैंने यूट्यूब पे रणवीर अलाहाबादिया की जितना इंटेलिजेंट कॉन्टेंट स्विचर नहीं देखा। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था आज वो उस कॉन्टेंट से बिल्कुल अलग कॉन्टेंट बना रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी कोर ऑडियंस बनी हुई है। अगर हम में से कोई ऐसा करने का ट्राई करे तो वो शायद इतना सक्सेसफुली कंटेंट चेंज नहीं कर पाएगा। अपनी कोर ऑडियंस को दांव पे लगाकर उसे करना होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लो कि एक यूट्यूबर है जिसका नाम है लेट सपोज क्रांति, और वो मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग करना सिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोर ऑडियंस भी वही लोग होंगे जो अपने वीडियोस को स्मार्टफोन पे एडिट करते हैं। लेकिन क्या हो कि क्रांति अपना कंटेंट स्विच कर ले और स्मार्टफोन रिव्यूज करने लग जाए? पहले वो जिस फोन से एडिटिंग सिखाता था वो आज उन्हीं स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू देने लग जाए। तो अब जो क्रांति की कोर ऑडियंस थी जिसे सिर्फ मोबाइल एडिटिंग देखनी थी, क्या वो उसके नए कंटेंट को देखने आएगी? बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा कुछ 2-5% लोग आएंगे जिनको क्रांति ने अपना भक्त बना लिया। इन बेटर वर्ड्स, क्रांति के सुपर फैंस तो उसका कुछ भी कंटेंट देख लेंगे। और ये कंटेंट स्विच करने की वजह से चैनल पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इस चैनल के इंप्रेशंस तो अच्छे जाएंगे, लेकिन इररेलेवेंट ऑडियंस को दिखेगा ये चैनल, जिससे सब्सक्राइबर लॉस तो होगा ही होगा, चैनल डेड भी हो सकता है। और इस सिचुएशन से बचने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, डोंट चेंज योर कंटेंट, मॉर्फ इट। अब ये क्या होता है इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं रणवीर के चैनल बियर बाइसेप्स के इनिशियल बूस्ट की, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उनके कंटेंट चेंज करने की, लेकिन वो ग्रो तो हो गए थे अपने पहले ही नीश में जो था फिटनेस बेस्ड नीश। तो वो कैसे किया उन्होंने? अपना कंटेंट बदले बिना भी उन्होंने यूट्यूब पर अच्छी ग्रोथ देख ली थी। ही वॉज मेकिंग ए हेल लॉट ऑफ वीडियोज रिगार्डिंग वर्कआउट रूटीन्स, मील्स एंड सो मच अदर स्टफ। तभी अचानक से उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है, आमिर खान के दंगल ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जिसमें उन्होंने ये कवर किया कि आमिर खान की फिजिक दंगल में नेचुरल नहीं, इनहेंस थी। और इस सिंगल वीडियो से उनके नंबर्स यूं बढ़ने लगते हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उस वीडियो में मसाला था, मसाला जो नई ऑडियंस को आपकी तरफ ऐसे खींचता है जैसे मैग्नेट आयरन को खींचती है। और वहीं पे दंगल के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत लोग प्रेज भी कर रहे थे आमिर को नेचुरल बताकर। जो सच्चाई थी उसको बहुत कम लोगों को बताया, जिनमें से रणवीर का भी एक नाम है। इस चीज को ध्यान से देखो, उस टाइम पे बॉलीवुड अपनी पीक पे था, ना तो कोई हेट करता था बॉलीवुड को और ना ही कोई एलिगेशंस लगाए जाते थे फेमस स्टार्स पे। और उसी समय रणवीर ने सोचा एक अनबायस रिव्यू देने का। ये इतना बड़ा रिस्क था कि वो अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस भी खो सकते थे, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस उन्होंने अपनी ऑडियंस से रियल रहने का सोचा, और बस इसी वीडियो ने रणवीर अलाहाबादिया को यूट्यूब पर बहुत कुछ दिया इनिशियली। लेकिन भाई इतनी बड़ी कहानी से तो हमें क्या सिखाना चाहता है? देखो यही है उनका फैक्टर नंबर 2, मेक कॉन्टेंट विच टारगेट मास एंड सीम्स अपीलिंग। ऐसा कॉन्टेंट बनाओ जो बहुत लोगों को टारगेट करता हो, और उसमें बिना फेक हुए सच्चाई बताने की कोशिश करो। हमारे आसपास बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको पहले से बहुत फेक दिखाया जाता है। एक एग्जाम्पल है इसका, एल्ग्रो। अब वो कैसे इस फैक्टर का एग्जाम्पल, ये तुम मुझे कॉमेंट्स में बताओगे। अपने फैक्टर नंबर 1 का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, डोंट चेंज योर कॉन्टेंट, मॉर्फ इट। अब इसको कैसे समझेंगे हम? रणवीर के एग्जाम्पल से समझते हैं। 30 नवंबर 2016 को उन्होंने अपने चैनल पे ये वीडियो डाली, विच वॉज आमिर खान्स डर्टी सीक्रेट, एंड इट गोट एवरीवेयर। लेकिन क्या बस इतना ही था? क्या उनको वहां पे रुक जाना चाहिए था? नहीं, वही था उनके कंटेंट का टर्निंग पॉइंट। कुछ दिन बाद फिर से इसी टॉपिक पे एक और वीडियो पोस्ट की उन्होंने, जिसको बोलते हैं रिपीटिंग व्हाट इज वर्क, ऑब्वियसली इंप्रूव्ड। और उसके बाद उन्होंने अपने चैनल पे बहुत अलग अलग टाइप का कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दिया। जस्ट 2 वीडियोज आफ्टर आमिर वाला वीडियो ही पोस्टेड दिस, इजी वेज टू बी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू समवन। और इसके सही 12 वीडियोज के बाद आता है उनका अगला वीडियो, टाइटल इज ही और शी रियली इनटू यू। और इनके बीच में वो अपना रेगुलर कंटेंट बना रहे थे, जिम और डाइट वगैरह। एंड इस वाले वीडियो के 20 वीडियोस के बाद आता है ये वीडियो, मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स।
और इसके बाद कुछ पॉडकास्ट आते हैं और इस वीडियो के 24 वीडियोस बाद आता है 5 टिप्स ऑन हाउ टू ड्रेस वेल फॉर इंडियन मैन। और ये वीडियो उनके चैनल के मोस्ट सक्सेसफुल मतलब सुपर सक्सेसफुल वीडियोस में से एक है। फिर साहिल खान के साथ एक पॉडकास्ट आता है। यहाँ पे समझ रहे हो क्या हो रहा है, नई ऑडियंस पकड़ी जा रही है। मेन टारगेट है यूथ और कहीं ना कहीं या तो वो ऑडियंस पहले से जिमिंग में इंटरेस्टेड है या फिर वो अभी होने वाली है रणबीर के इफेक्टिव वीडियोस की वजह से। और इस वीडियो के 10 वीडियोस के बाद आता है अगला फैशन वीडियो और उसके बाद प्रोटीन सप्लीमेंट पे एक वीडियो ऑडियंस का माइंडसेट पकड़ने के लिए। फिर अगला वीडियो फिर से फैशन से रिलेटेड और उसके बाद काफी सारी इंप्रेस गर्ल्स और टिंडर टिप्स टाइप वीडियोस और फाइनली सेल्फ हेल्प। आई होप कि इस पूरी कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि कंटेंट मॉर्फिंग क्या होता है और कंटेंट चेंज और कंटेंट मॉर्फ में क्या खास फर्क है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास भी है, जो आई एम श्योर कि सबके पास होता ही है, तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। आई होप कि अगले फैक्टर पे चलने से पहले आपको पीछे वाला पूरा पार्ट क्लियर हो गया हो। अगला फैक्टर इतना ईजी नहीं है समझने में और इम्प्लीमेंट करने में तो और भी हार्ड है, लेकिन बिलीव मी अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया तो आपको यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बी घेंट एक यूट्यूबर है जो फैशन कंटेंट बनाता है। उसके भी बहुत सारे वीडियोस हैं 4-5 मिलियन व्यूज वाले, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं। लेकिन क्या तुम में से कोई इस चैनल को जानता था? आई गेस नहीं। ये चैनल डेड हो चुका है, पूरी तरह से नहीं लेकिन 20-30 हज़ार व्यूज एवरेज हैं इस चैनल के अभी। और वहीं पे रणवीर के दोनों चैनल्स, इनफैक्ट सारे चैनल्स अभी भी रिलेटेबल हैं। ऐसा क्यों हुआ? और यही क्वेश्चन हमें लेकर चलता है रणवीर के फैक्टर नंबर 3 पर, बीइंग मेनस्ट्रीम। उससे पहले ये समझते हैं कि मेनस्ट्रीम होता क्या है। मेनस्ट्रीम वो ग्रुप है क्रिएटर्स का जिनकी ऑडियंस इंटेलिजेंट है। ये देखो मेरी पर्सनल डेफिनेशन है, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई भी इससे 100% एग्री करे। एक और चीज, मेनस्ट्रीम क्रिएटर्स वो हैं जो मोस्टली कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इवन एक 80,000 सब्सक्राइबर्स वाला क्रिएटर भी मेनस्ट्रीम हो सकता है अगर वो किसी पहले से मेनस्ट्रीम क्रिएटर के साथ कोलैब कर ले। और मेनस्ट्रीम बनने के लिए 2 फैक्टर्स हैं, पहला कलेक्टिंग इंटेलिजेंट ऑडियंस और दूसरा कोलैबोरेटिंग विद मेनस्ट्रीम क्रिएटर्स। पहला तो आसानी से अचीव किया जा सकता है बाय जस्ट मेकिंग इंटेलिजेंट कंटेंट और जमाने के हिसाब का कंटेंट आई मस्ट से। बट द सेकंड फैक्टर इज क्वाइट डिफिकल्ट। एक बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करना मुश्किल है, आई मस्ट से काफी मुश्किल है, स्पेशली जब आपका चैनल एक पिद्दू सा चैनल है। तो इस केस में हमें इनिशियली ध्यान देना चाहिए अपने इंटेलिजेंट ऑडियंस को कलेक्ट करने में, जो कि मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप इंटेलिजेंट हो। जोक्स अपार्ट, इनिशियली स्मार्ट कंटेंट बनाने का ट्राई करते रहो और वो कैसे बनेगा, जस्ट बाय ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। और एक बार जब आपके पास थोड़ी इनिशियल ऑडियंस है और स्पेशली इंटेलिजेंट ऑडियंस है, तो उसके बाद फैक्टर 2 इंप्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा। स्मार्ट ऑडियंस के लिए मेनस्ट्रीम क्रिएटर आपके साथ कोलैब करेगा ही करेगा। बियर बाइसेप्स के एनालिसिस को यहीं पे रोकेंगे हम। इसके अलावा और भी बहुत सारी जीनियस स्ट्रेटजीज हैं उनकी, उसके लिए सेकंड पार्ट का वेट करवाऊंगा आपसे। वैसे बियर बाइसेप्स की ग्रोथ को अगर हम ऊपर से देखें तो बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन डीपली समझने के बाद पता चलता है कि कैसी कैसी स्ट्रेटजीज वो यूज करते हैं इस ग्रोथ के लिए। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, वो है फ्लाइंग बीस्ट का। वो भी एक यूट्यूब जीनियस है लेकिन ऊपर से देखने पे लगता है कि नॉर्मल है सब। उनकी स्ट्रेटजीज जानने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है मैंने, देख लो, काफी यूजफुल होगा तुम्हारे लिए। अब बाय।